हेलो दोस्तों, मैं फैजल। हम सफर की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि स्मार्ट हाइब्रिड के क्या क्या फायदे हैं। हम सफर की वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं हम सफर की एक नई वीडियो। तो ये खड़ी अपनी न्यू अर्टिका ZX-i मॉडल है, जो कि टॉप से एक नीचे आती है। तो अब इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, इसकी बैजिंग भी आपको पीछे दिखा देता हूँ, इसकी बैजिंग कैसी है। तो ये आपको मिल जाती है स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग। ये स्मार्ट हाइब्रिड मॉडल है। तो इसमें आपको बता देता हूँ क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं स्मार्ट हाइब्रिड में। तो इसका फ़ायदा गिनवा देता हूँ एक बार, आपको इसका ऑन कर देता हूँ इंजन, जैसे कि आप देख रहे हो। दूसरी बार दबा देता हूँ तो ये अपना MID चालू हो चुका है। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है MID में क्या क्या फंक्शंस है, तो इसकी वीडियो भी मैंने डाल रखी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो इसका स्मार्ट हाइब्रिड का जो बटन है, इसका ऑटो ऑफ का ये वाला बटन है, इससे आप अगर दबाओगे तो आपका ये देख लो येलो लाइट जो है ब्लिंक या फिर जिसे कहते हैं अपना जलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है आपने स्मार्ट हाइब्रिड की बैटरी ऑफ़ कर दिया है, स्मार्ट हाइब्रिड अब आपका काम नहीं करेगा। तो स्मार्ट हाइब्रिड अगर आपको चालू करना है तो यही बटन आपको ऑटो ऑफ का दे रखा है न्यू अर्टिगा में, तो इससे आप अपना स्मार्ट हाइब्रिड चालू कर सकते हैं। तो एक बार आपको स्क्रीन चेंज करके दिखा देता हूँ। ये इसका बटन है स्क्रीन चेंज करने का, ये वाला। तो स्क्रीन चेंज करके दिखा देता हूँ। तो देख लो स्मार्ट हाइब्रिड का, जैसे कि आप देख सकते हो टोटल आइडल स्टॉप टाइम, टोटल आइडल फ्यूल सेव। तो ये आपका फ्यूल सेव जो हुआ स्मार्ट हाइब्रिड की वजह से हुआ, जो कि आपका 556 ml फ्यूल सेव हो चुका है। अभी तक लगा लो 3000 किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है, तो 3000 किलोमीटर में 3500-4500 रुपये का तो फ्यूल सेव हो चुका है। तो इसे कम भी कहते हैं लोग, बाकी ज़्यादा भी कहते हैं भाई अपने स्मार्ट हाइब्रिड लगा के दिया है तो ये थोड़ा बहुत फ्यूल भी सेव हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो इसका जो अगर एक मेन फंक्शन है, अगर आपने गाड़ी चला दी तो आपने गाड़ी, जैसे ये क्लच आपको दिख रहा है, ये वाला क्लच अगर मैं बात करूं तो आपको एक क्लच दिख रहा है। जैसे कि आपने गाड़ी चला रखी है, आपने गाड़ी बिल्कुल चल रही है आपके सामने रोड पे, अगर आपकी वहाँ जैसे उस जगह पे जैसे वो ट्रैक्टर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे अगर आपकी गाड़ी रुक गई, आपने रोक दी और ये गियर आपको आपने जैसे गियर आपने 1 पे लगा रखा था, तो आपने अगर ये 1 पे से हटा के न्यूट्रल पे कर दिया ऐसे बिल्कुल न्यूट्रल पे, और ये देख सकते हो आपने क्लच पे से पैर हटा लिया, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो क्लच पे से पैर हटा लिया, तो आपकी गाड़ी आइडल में स्टॉप हो जाएगी बिल्कुल एक जगह पे, मतलब स्टॉप हो जाएगी, इंजन विंजन सब बंद हो जाएगा, AC की पावर चलती रहेगी, AC जो इसमें वो चलता रहेगा। तो इसका दूसरा फंक्शन बताऊं स्मार्ट हाइब्रिड का, एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी गाड़ी तो स्टॉप हो जाएगी लेकिन AC वर्क करता रहेगा। इसमें ये फ़ायदा बहुत है कि अगर जो कहते हैं भाई गाड़ी बंद हो जाएगी तो AC बंद हो जाएगा, गर्मी लगेगी, फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, AC चलता रहेगा। इस सिस्टम का ये भी फ़ायदा है। और तीसरा फ़ायदा बताऊँ, अगर आपकी गाड़ी स्टॉप हो गई और आपने जैसे गाने आपने म्यूज़िक सिस्टम में बजा रखे हैं, जैसे अपने आप सोचोगे कि गाड़ी स्टॉप हो जाए स्मार्ट हाइब्रिड की वजह से तो स्पीकर भी बंद हो जाएंगे, नहीं, स्पीकर भी आपके चलते रहेंगे। स्पीकर आपके बिल्कुल जो जिस स्पीड से आपने चला रखे, जिस वॉल्यूम से आपने चला रखे, उसी वॉल्यूम से आपके स्पीकर चलते रहेंगे, तो स्मार्ट हाइब्रिड यहाँ कोई दिक्कत नहीं करता। और चौथे बड़े फीचर की बात करूँ, जो कि आपको ये तो बेस्ट लगेगा, बेस्ट इन क्लास जो फीचर है स्मार्ट हाइब्रिड का, जैसे कि आप दुखी हो जाते हो, आपने जैसे जाम में फंस रहे हो, आपने गाड़ी चलाई जैसे 1 मिनट चलाई फिर आप फंस गए, फिर लगा लो 20-30 सेकंड के लिए आपने सोचा कि शायद जाम नहीं चलेगा, फिर चल पड़ता, आपने चाबी यहाँ से जैसे स्टॉप बटन आपने दबा दिया, फिर आप चालू करोगे, दबाओगे चालू करोगे, आप सोचोगे फ्यूल सेव हो जाए, तो उसमें आपको ये बहुत फ़ायदा करता है। आपने जैसे क्लच पे से पैर हटाया, गियर को न्यूट्रल करा और आपने छोड़ दिया, तो आपकी गाड़ी आइडल पोजीशन पे स्टॉप हो जाएगी। और आपको अगर ये चालू करनी है तो डायरेक्ट आप यहाँ से, जैसे आपको ये दिख रहा होगा ये वाला क्लच, आपने क्लच अगर आपने ये ऐसे दबा दिया पूरा, तो आपकी गाड़ी क्लच से स्टार्ट हो जाएगी डायरेक्ट। ये फंक्शन इसका जो मुझे बेस्ट लगा वो है इसका स्मार्ट हाइब्रिड फंक्शन का, आपकी क्लच दबाते स्टार्ट हो जाएगी, कोई आपको चाबी वाबी घुमाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको पुश स्टार्ट दबाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कोई झंझट मारी करने के लिए जरूरत नहीं है। तो ये मुझे बेस्ट फंक्शन लगा, आपने क्लच दबाया, यहाँ से गियर डाला एक पे, आपका क्लच दबाते ही स्टार्ट हो जाएगी आपकी गाड़ी, ये फंक्शन बहुत बेस्ट लगा। तो इसकी बैटरी जो मिलती है आपको को ड्राइवर सीट के नीचे मिलती है, जो कि ये अपनी को पैसेंजर के नीचे वाली सीट पर बैटरी इसकी प्लेस करी गई है।
तो बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री हो रहा है, बहुत मेहनत लगती है भाई, पसीना पसीना आ रहा है। तो यही थे कुछ अनोखे फीचर स्मार्ट हाइब्रिड के बारे में, जो कि आप देख सकते हो बढ़िया फीचर्स थे जो A1 क्लास के। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सब्सक्राइब का बटन रेड है उसे दबा के ग्रे कर देना, साइड में उसके घंटा है उसे भी दबा देना, घंटा प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन आपको मेरी सारी आती रहेगी। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तो ओके बाय बाय।